दो क्वालिटीज मुझे लगती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वन, नोइंग व्हाट टैक्टिक टू यूज वेयर, और दूसरी चीज डिप्लोमेसी. अष्ट सिद्धि होती है जो मेन 8 सिद्धिज हैं, जिनमें से कुछ सिद्धिज ऐसी होती हैं जो हनुमान जी ने डिस्प्ले की, अपना साइज छोटा या बड़ा करने की. कुछ सिद्धियां होती हैं आप ट्रैवल कर सकते हो दूसरे लोगों में, कुछ सिद्धियां होती हैं जिससे आपको जो भी चाहिए वो आप प्रकट कर सकते हो चीजें. उनके हाँ अलावा भी बहुत सारे इमोर्टल्स हैं. एंड सो इमोर्टैलिटी का जो एक हमें प्रिंसिपल समझना चाहिए ना, वो ये है कि नो वन इज ट्रूली इमोर्टल एक्सेप्ट गॉड. नमस्ते, स्वागत है डोप बात के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूँ राहुल सोलंकी और हम हैं भारत के सबसे हट के पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है डॉक्टर विनीत अग्रवाल, जो कि क्वालिफिकेशन से डॉक्टर हैं, प्रोफेशन से मैनेजर हैं और ऑथर बाय पैशन है। तो ये तीनों बहुत ही अलग अलग डोमेन हैं, और जब मैं इनका बायो पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अरे यार, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक बंदा कैसा होगा। तो वही है, आज उसी चीज़ के अराउंड बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कैसे बैलेंस किया आपने तीनों चीज़ें। राहुल, आई थिंक जिस चीज का आपको पैशन है उसके लिए आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेते हो. सो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माय क्वालिफिकेशन आई बिकेम अ डॉक्टर. आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर. बट उसके बाद आई डिड नॉट वांट टू ज्वाइन प्रैक्टिस. हॉस्पिटल में मेरे को काम करना थोड़ा मुझे अपने टेम्परामेंट के हिसाब से बोरिंग लगता था. आई वॉन्टेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वॉन्टेड टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. एंड ऑफ कोर्स यू नो सबका अपना एक विजन होता है लाइफ के लिए. ट्रू सो ट्रू आई डिसाइडेड टू परस्यू एमबीए आफ्टर एमबीबीएस. एंड अभी मैं फार्मास्यूटिकल्स में काम करता हूँ. सो वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल्स, आई एम वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर एंड आई ट्रैवल द वर्ल्ड फॉर माई वर्क. सो वो एक चीज प्रोफेशनली हो गई. बट पैशन मेरा शुरू से रहा ही है अबाउट यू नो रीडिंग हैज ऑलवेज बीन अ पैशन. एक्चुअली बच्चों ने तो रीडिंग वॉज अ बिग टाइम हॉबी फॉर मी. ट्रू एंड धीरे धीरे टर्न इन टू राइटिंग ऑल्सो. सो ऐसा मैंने कहीं सुना था या कहीं पढ़ा था दैट यू नो द बेस्ट राइटर्स एक्चुअली आर यू नो ऑल्सो वेरी गुड रीडर्स. बिकॉज आप पहले पढ़ोगे आप समझोगे कि लिटरेचर कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है. एंड दैट प्रोबेबली हेल्प्स यू नो इन शेपिंग योर ओन व्यू ऑफ यू नो हाउ टू राइट अ स्टोरी. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड. और रीडिंग एंड इसके अलावा जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में माइथोलॉजी बोलते हैं, बट एक्चुअली जो हमारे पुराने कहानियां हैं, हमारे शास्त्र है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें जो स्टोरीज हैं, लेजेंड्स हैं, आई वॉज ऑलवेज वेरी फैसिनेटेड विद देम ऑल्सो. हाँ, सो मैं आपको मुझे रोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि आई नो आपने तीन बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है, जिसमें कि सबसे पहले आती है विश्वामित्र, जो कि मुझे बहुत कम पता था उनके बारे में। दूसरा परशुराम, कौन नहीं जानता भगवान परशुराम को। और लास्ट, अब चौथी बुक भी आ रही है, लेकिन एक थर्ड बुक है जिसका नाम है भरत, जो कि जिन्होंने एक सबको बताया कि बचपन में एक बच्चा था जो शेर के दांत गिन रहा था, और उतना ही सबके दिमाग में छप गया है। आपने उसके अराउंड भी ये बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग है। आज हम उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जब आप ये टॉपिक्स की बात, मतलब एक तो आता है कि एक बंदा प्रोफेशनल करियर से आया है, प्रोफेशनल बिल्कुल दुनिया से आया है, फिर वो मतलब एक इतना इमेजिनेटिव हो जाना कि चीज़ों को लिखना, एक इस तरह से लिखना कि सामने वाला बंदा पढ़े। क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से आपका एक इंटरेस्ट बना इधर की तरफ? आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंस तो होता ही है सबके फैमिलीज का, आपके एनवायरनमेंट का. और मेरी दादी हमारे मेरे दादा दादी जी हमारे साथ ही थे. इट वॉज अ ज्वाइंट फैमिली. एंड मेरी दादी बहुत कहानियां सुनाती थी बचपन में, स्पेशली कृष्ण जी की. एंड माई डैड यूज टू गेट अस अमर चित्र कथाज जब हम छोटे बच्चे थे. तो मी एंड माई सिस्टर यूज टू रीड अमर चित्र कथाज. एंड एवरी वीक वी यूज टू गेट अ न्यू कॉपी. तो वो हमारा एक कंडीशन रखी जाती थी कि अगर इस एक हफ्ते में आप ये फिनिश करोगे तो आपको दूसरी कॉमिक मिलेगी. सो धीरे धीरे उससे हमारी रीडिंग स्पीड भी एक्चुअली डेवलप हुई. और फिर हम अपनी अपनी कॉपी के अलावा दूसरी कॉमिक भी पढ़ लेते थे, एक दूसरे की कॉमिक्स भी पढ़ लेते थे. एंड दैट इज हाउ आई थिंक बोथ ऑफ अस हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ कॉमिक्स, अमर चित्र कथाज. एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू नो द क्रिएटर्स ऑफ अमर चित्र कथा फॉर दिस, बिकॉज उन्होंने हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो स्टोरीज है, वो एक बहुत ही इजी फॉर्मेट में प्रिजर्व करके रखी है. इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि आजकल बच्चे इतना पढ़ते नहीं है, बच्चे मोस्टली गैजेट्स में इन्वॉल्व रहते हैं.
रीडिंग के लिए आई थिंक बच्चे को, एक इंडियन बच्चे को, उसकी अपनी हिस्ट्री से, द लॉट ऑफ हिस्टोरिकल फिगर, सिर्फ अमर चित्र कथा में हमारे लेजेंड्स, हमारे पुराने स्टोरीज नहीं है, द लॉट ऑफ हिस्टोरिकल कॉमिक्स ऑल्सो. और उसकी शुरुआत भी हो जाती है ना बचपन में, जब हम छोटे थे तो शुरुआत हमें टीवी पे भी ऐसा ही दिखता था, मतलब ऐसा नहीं था कि हम अलग अलग चीज़ें अपने चारों चारों तरफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम टीवी पे भी देखते थे तो विक्रम बेताल, अलग अलग टाइप के सीरियल्स आते थे, और फिर जब हम कॉमिक्स भी पढ़ते थे तो स्टोरीज ही आती थी, तो इसलिए हम ज़्यादा इंट्रीग रहते थे, इंटरेस्ट हमको रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है मेरे अपब्रिंगिंग में. और उसके बाद आई थिंक आफ्टर माय एमबीबीएस एंड आफ्टर माय एमबीए, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग और व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, तो मेरे पास बहुत टाइम होता था एयरपोर्ट्स पे. यू नो हाउ बोरिंग ट्रैवल इज, यू नो एटलीस्ट वेटिंग एट द एयरपोर्ट्स, और इंटरनेशनल ट्रैवल में स्पेशली बहुत ट्रांजिट भी बहुत होता है. सो ट्रू। मतलब आई हैड नथिंग बेटर टू डू बट टू रीड. सो आई वाज रीडिंग, आई वाज एक्सप्लोरिंग. मैं थोड़ी लाइब्रेरीज ज्वाइन की, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, दे हैव अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स इन संस्कृत आल्सो. सो मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर करना शुरू किया, एंड धीरे 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 मेरे दिमाग में काफी चीजें यू नो स्टार्टेड मेकिंग सेंस, कि अच्छा ये हम ऐसे स्टोरी के बारे, इस स्टोरी में जो हम ऐसा बोलते हैं, ऐसी एक मान्यता है, उसका एक्चुअली लॉजिक क्या होगा, या यू नो व्हाट कुड बी दी साइंटिफिक फैक्ट बिहाइंड यू नो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट. तो ऐसी ट्रू। बहुत सारी चीजें हैं हमारे स्क्रिप्चर में. सबसे पहली कहानी आपको बचपन की कोई याद आती है जो सुनाई हो और आपको एकदम दिमाग, जैसे हमको पता है वो बचपन में बंदर वाली कहानी सबसे सबने सुनी है कि बंदर पेड़ पे बैठा था, तो आपने कोई ऐसी कहानी सुनी इसी के अराउंड, रामायण के अराउंड, महाभारत के अराउंड, जिसने एकदम दिमाग एकदम खोल दिया हो? आई थिंक ऐसी, मतलब नाउ दैट यू आर आस्किंग, आई कैन थिंक के जो कृष्ण जी की कहानी थी बचपन की, जब वो मिट्टी खा लेते हैं और यशोदा माता उनको बोलती है मुंह खोलने को, और उनके मुंह में पूरा उनको ब्रह्मांड दिखाई देता है. आई ट्रू। थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल स्टोरी, के मतलब उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड है. सो आई थिंक दैट आई रिमेम्बर डेफिनेटली. और कहीं ना कहीं उन सब स्टोरीज का असर होता है, बिकॉज हमारी जो स्टोरीज हैं, जो पुरानों में स्टोरीज हैं, दे आर वेरी वेरी साइंटिफिक ऑल्सो. उनमें काफी सारे एलिमेंट जो जो लोग नहीं मानते कि वो साइंस है, एटलीस्ट साइंस फिक्शन का बहुत बड़ा एलिमेंट है. सो यू नो दिस डिफरेंट लोकास, दिस डिफरेंट प्लैनेट्स, दिस डिफरेंट गैलेक्सीज, दिस डिफरेंट यू नो ट्रैवल बिटवीन डिफरेंट वर्ल्ड्स. लोग विमानों पे ट्रैवल करते हैं, उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो आप आज के परमाणु हथियारों से कंपेयर कर सकते हो. इस पे भी आज बहुत बात करनी थी, आपने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हमें। तो जब आप एज अ MBBS का बैकग्राउंड, मतलब एक हार्ड कोर बंदा चला चला आ रहा है जिसको टेक्निकल नॉलेज, मतलब सिर्फ क्या कह सकते हैं, प्रूवन साइंस पे ही बात करनी है, और फिर आपने MBA करा जो कि एक ओवरऑल पिक्चर देता है कि बैलेंस आउट कैसे करना है मेरी नॉलेज को इससे, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ कैसे मैप करना है। फिर आपने, जैसे आप बता रहे हो, आपने बायो में भी लिखा है कि ट्रैवल करा था, आपने एक लाइन लिखी है कि पॉलिटिक्स टू पोइट्री और ट्रैवल टू टेररिज्म, तो कहीं ना कहीं आपने पॉलिटिक्स और पोइट्री को भी देखा है, क्या है इसका सेंस बताओ, अब मैं समझ नहीं पाया इसको कि क्या क्या कहना चाह रहा है कवि। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है समझना. इट इज जस्ट दीज आर माई बेसिकली यू नो डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. आई जियो पॉलिटिक्स, आई थिंक अब काफी लोग इंटरेस्ट लेने लग गए हैं जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि काफी ऐसी इंसिडेंट्स हो रही हैं हमारे हमारी दुनिया में करेंटली ऑल्सो, दैट यू नो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. बट मेरे शुरू से पॉलिटिक्स वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन हिस्टोरिकल यू नो इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वहां से मेरे को बहुत अच्छा लगता था. एंड इन फैक्ट हिस्ट्री यू नो फॉर दैट मैटर, जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी. एंड कहीं ना कहीं आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यू नो पॉलिटिक्स, हमें लगता है कि बस मिनिस्टर्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट वैसा नहीं है. स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन कॉर्पोरेट एज वेल. सो आपने एवरीबॉडी इज डूइंग. फील किया, आपने फील किया, या नहीं बात कर सकते हम उस पर? नहीं, ऑफ कोर्स सब कुछ सब लोग ही करते हैं, सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन इट. एंड पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग विच इज यू नो हम लोग अलूफ नहीं है उससे, वो दैट इज इम्पैक्टिंग एवरी डे लाइफ, ट्रू। राइट? बट सो आपने वी हैव देखा होगा इंडिया में पॉलिटिक्स जो होती है, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट इंडिया में देखा होगा आपने, जब यहाँ पे फेवरेटिज्म वाला सीन हो जाता है या फिर नेटवर्किंग वाला गेम चलता है, तो
क्या लगता है कि ये हमारे जीन्स में इनबिल्ट है या फिर क्यों हम फेवरेटिज्म के चक्कर में चले जाते हैं, क्यों होता है सब ये? जगह होता है राहुल, ये सब जगह होता है। आप कहीं पे भी देखोगे ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे वर्ल्ड की, किस तरह यू नो द पायनियर्स जो उठ के आए हैं दुनिया में हर जगह, यू नो दे हैड टू फाइट अ लॉट ऑफ ऑड्स। मतलब आप सोचो कि इवन यू नो गिविंग द वोटिंग राइट्स टू विमेन इन अमेरिका वो सच अ बिग इशू। सो हमें ये सब चीजें पता नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ बाकी सब जगह सही था, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ऐसा है। ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स होता ही ऐसा है। जिसके पास भी पावर आएगी वो करप्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो मिसयूज करेगा पावर का, अगर अनलिमिटेड पावर है तो। और दूसरी चीज, आपको वो पावर लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ वो साम दाम दंड भेद करने पड़ेंगे। वो तो अर्थशास्त्र में लिखा गया है, कौटिल्य ने कहा है उस जमाने में, राइट? सो ये दुनिया, दीज आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, वो हर जगह फॉलो होते हैं। ट्रू. आप हम क्योंकि इंडिया में हम ज्यादा हाँ यहाँ अवेयरनेस है कि यहाँ क्या होता है, बट सारी दुनिया में यही चलता है। ट्रू. और जैसे आपने लिखा है ट्रैवल एंड टेररिज्म, टू ट्रैवल टू टेररिज्म, तो टेररिज्म तो मुझे सुन के बड़ा खतरनाक लगा कि ये क्यों लिख दिया. तो अगेन आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा इट इम्पैक्ट्स योर एवरीडे लाइफ। क्योंकि आपको अगर कल किसी, आई हैव बीन टू कंट्रीज जैसे जहां पे आई हैव स्टेड इन दोज होटल्स जहां पे टेरर अटैक्स हुए हैं बाद में, थैंकफुली जैसे आई कि वॉज नॉट देयर एट द टाइम। लाइक श्रीलंका में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे लास्ट टाइम, तो वो ओके तीन होटल्स में हुए थे और मैं वो तीनों जगह पे रुका हूँ अलग अलग ट्रिप्स में। सो यू नो इट इट एक्चुअली हिट्स यू दैट यू नो यू कुड हैव बीन देयर। और मतलब इट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू योर होम, मतलब वो रियल हो जाता है बहुत, अगर आप उन जगह पे हो, आपने वो एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। एंड आई थिंक इवन वाइल ग्रोइंग अप यहाँ पे भी, यू नो पंजाब में भी देयर स्टिल जो अभी चल रहा है खालिस्तानी टेरर वाला, ट्रू. वो पहले भी था। तो हमें बचपन में भी याद है कि कुछ कुछ उसके रेमनेंट्स थे। और सो मुझे नहीं लगता कि टेररिज्म कोई अलग सी चीज है, वो हमारी अगेन लाइक पॉलिटिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। चलो आप ये बताओ, मेरे को अभी दिमाग में क्वेश्चन आया कि कृष्णा एज अ मैनेजर, भगवान कृष्ण एज अ मैनेजर, आपको क्या लगता है कि कितने अच्छे मैनेजर हैं वो? क्यों हमें पता है अच्छे मैनेजर हैं, पर उनकी कौन सी टॉप क्वालिटीज़ आपको हिट करती है कि यार ये मैं अडेप्ट कर लूँगा और बन जाऊँगा एज अ आज की दुनिया का अच्छा मैनेजर, कैसे बन सकते हैं? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर बींग अ गुड मैनेजर इज नोइंग हाउ टू कंट्रोल योर सबऑर्डिनेट्स। कि आपकी टीम है, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि उनको कैसे हैंडल करना है, तो वो टीम विल नॉट बी एफिशिएंट। वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी। हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करेगा अगर आप लीड नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक कृष्ण जी के दो क्वालिटीज मुझे लगती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, नोइंग वॉट टैक्टिक टू यूज वेयर, और दूसरी चीज डिप्लोमेसी, दी आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, वो कृष्ण जी के पास ऐसे भरपूर थी। मतलब आप इमेजिन करो कि इवन बिफोर दी महाभारत वॉर कृष्ण जी दूत बन के गए थे, शांति दूत बन के, जहां पे दुर्योधन उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की थी। पर लेकिन कृष्ण जी ही हैं जो ऐसा इतना बड़ा बोल्ड स्टेप ले सकते हैं, एंड यू नो ही कुड हैव डन दैट। और अलग अलग उन्होंने टाइम पीरियड्स में अपने जो उनके फेजेस थे लाइफ के, पहले वृंदावन मथुरा का जो था, जहां उन्होंने फिर कंस का वध किया, सो ही न्यू कि इस टायरेंट को अब मारना ही पड़ेगा। यू नो ही इज अ टायरेंट जिसने अनगिनत बच्चों को मारा, यू नो जस्ट टू लुक फॉर वन चाइल्ड, और उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली हरास कर रहा था ब्रज की जनता को, और यू नो थ्रू डिफरेंट राक्षसेस, थ्रू डिफरेंट कैलामिटीज एक्सेट्रा। सो उनको पता था कि इसको मारना अनिवार्य है, तो यहाँ डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। बट जहां उन्हें लगा कि बात करके कुछ हो सकता है, कुछ हल निकल सकता है, जैसे कर्ण कर्ण के टाइम, महाभारत के युद्ध के पहले कृष्ण जी जाते हैं कर्ण के पास और उससे बात करते हैं कि भाई ये तुम्हारे ही भाई है, तो तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो, तुम ज्वाइन कर लो पांडवों को। सो दैट वॉज ही न्यू वॉट टू डू वेयर। एंड इनफैक्ट राहुल, जो सिंपल एक इंसिडेंट है जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण जी के पास द्वारका में हेल्प मांगने जाते हैं, आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा एंड द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन एंड द कैरेक्टर ऑफ दुर्योधन एज वेल फॉर दैट मैटर। क्योंकि कृष्ण जी सोए हुए हैं, अर्जुन और दुर्योधन दोनों वहां हैं, दुर्योधन पहले आया है एंड ही सिट्स नियर द हेड ऑफ कृष्णा। क्योंकि ऑब्वियसली मैं पांव के पास क्यों बैठू, मैं यू नो मैं दुर्योधन हूँ। सो ही सिट्स नियर द हेड ऑफ कृष्णा,
और अर्जुन आते हैं तो वो कृष्ण जी के पांव के पास खड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली कृष्ण जी की आंख खुलेगी तो पहले वो अर्जुन को देखेंगे एंड ही गिव्स हिम दैट राइट कि यू नो यू कैन चूज, एंड अर्जुन चूजेज। और दुर्योधन की उस टाइम हालत खराब हो जाती है कि अरे यार इसने जो मैं सेना मांगने आया हूँ वो इसने ले ली तो फिर मैं क्या करूंगा। बट अर्जुन इज ऑल्सो यू नो यू इट शोज द फेथ ही हैड इन कृष्ण एज अ फ्रेंड, एज अ कजन, एज अ गाइड, कि कृष्ण मेरे साथ है तो मैं सब सही करूंगा। इनफैक्ट सेम चीज हनुमान भी, हनुमान के साथ जब भेंट होती है भीम की फॉरेस्ट में, देयर इज अ इंसिडेंट, और उसमें भी वही यू नो द फेथ दैट द पांडव्स हैव इन देयर राइटियसनेस कि हम सही हैं तो हम जीतेंगे, वो भीम का भी वहां पे नजर आता है। और भीम से हनुमान इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे दुश्मनों को मैं अभी उखाड़ फेंकूंगा, तो मतलब तुम्हें लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत ही नहीं, अज्ञातवास ये सब करने की, वनवास करने की जरूरत ही नहीं है। और भीम बोलते हैं कि नहीं, आप हमारे साथ मेंटली रहो, बस यू सपोर्ट अस मॉरली, हमारे आपके फिजिकल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। सो एक कॉन्फिडेंस उसमें नजर आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भीम में भी और अर्जुन में भी, कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को बस सही गाइड चाहिए, एंड कृष्णा इज दैट परफेक्ट गाइड। सो आई थिंक कृष्णा इज लाइक द अल्टीमेट पर्सन और फॉर। ये भी बोला गया है कि ऐसे जैसे आपने मैनेजर का बताया कि ये दो क्वालिटी है, लेकिन कृष्णा एज अ मैनेजर उनमें भी कमियां निकाल दी लोगों ने, और किसी भी अच्छे मैनेजर में भी कमियां निकाल देते हैं लोग, तो उससे कैसे, कृष्णा ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आपको जैसा लगता है मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, ठीक है, पर उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं करी। बट अगर किसी मैनेजर को या किसी लीडर को कोई बाकी के लोग या उसी के सबॉर्डिनेट गलत मान रहे कि आपने एक स्टेप किया, ये इनजस्टिस था, ये था, तो उस टाइम पर उसको कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो मुझे लगता है सबसे पहले तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज अ मैनेजर यू कैंट बी लाइक यू नो कि मैं जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, आपको अपनी टीम का तो सुनना ही पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि फीडबैक किससे आ रहा है। काफी लोग हैं जो डिसग्रंटल्ड होंगे बिकॉज ऑफ योर डिसीजन, उनका फीडबैक मे और मे नॉट बी रेलिवेंट, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो अभी गुस्से में है या दुख में है वो आपको कुछ बोल रहे हैं। बट ऑनेस्ट फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज डेफिनेटली हेल्पफुल एज अ मैनेजर। अगर आप सुनोगे नहीं, फीडबैक नहीं लोगे, आपकी अपनी ग्रोथ रुक जाती है। ट्रू, ठीक है, सो तो ये तो था। और बाकी आप पर्सनल फेवरेट भगवान आप किसकी तरफ देखते हो, या फिर कौन से आपको हमेशा लगता है कि कोई कनेक्शन है किसी किसी भगवान से? मैं तो यार बड़ा हुआ हूँ कृष्ण जी की कहानियां सुनते हुए, तो मेरे वो हमेशा से फेवरेट रहे हैं। बट नॉट जस्ट कृष्णा, आई वुड से विष्णु जी के सब अवतार मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं। तो तब एक्चुअली भगवान के सारे फॉर्म्स ही इक्वली सिग्निफिकेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली पूजनीय है। पर सबके जैसे इष्ट देव होते हैं, मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि मेरे कोई एक इष्ट देव है, मेरे चेंज होते रहते हैं। कैसे सो कैसे? आई थिंक मतलब जैसे नवरात्रि चल रही है तो मैं पूरा पूरी तरह माता माता के के लिए देने बारे के में लिए। डिस्कस कर रहा हूँ, उन्हीं के बारे में पढ़ रहा हूँ, उन्हीं के बारे में शेयर कर रहा हूँ अपने पॉडकास्ट में, बिल्कुल सेशन, रील्स में, पोस्ट में। और जब श्रावण होता है तब मैं ज्यादा शिव जी के बारे में पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, बताता हूँ लोगों को। तो ऐसे अलग अलग वो टाइम्स पे, गणपति के टाइम गणेश चतुर्थी थी, गणेश फेस्टिवल जब चल रहा था गणेश जी के बारे में रिसर्च कर रहा था। सो अलग अलग टाइम अलग अलग फॉर्म्स आर एंड आई एम इक्वली डिवोटेड टू देम। पर क्योंकि भगवान तो एक ही है, उनके सब अलग अलग फॉर्म्स है ये। बट पर्सनली स्टोरी वाइज आई थिंक मेरे को दशावतार की जो स्टोरीज है वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ट्रू। अच्छा, उसके अब आते हैं हम 2014 में। 2014 में आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी चल रही थी? फिर आपने विश्वामित्र एज अ कैरेक्टर, एज अ स्टोरी, कि आप इस बंदे के बारे में, इस महाब्रह्म ऋषि बोलते हैं, महाऋषि बोलते हैं, देखो ब्रह्म ऋषि, उनके उनके बारे में ही क्यों लिखना सोचा? तो कैसे बैलेंस कर रहे थे पहले, तो क्या हो रहा था आपकी प्रोफेशनल दुनिया में, और कैसे आपने अपनी ये वाली जर्नी संभाली ऑथर की? आई थिंक मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो सब सही चल रहा था, ऐसा कुछ मिसिंग इन माय प्रोफेशनल लाइफ। बट वही ट्रैवल में आई वाज रीडिंग अ लॉट और आई स्टार्टेड अ ब्लॉग एक्चुअली 2011 में। तो 2014 से भी 3 साल पहले एक्चुअली ये जर्नी शुरू हो गई थी, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अ ब्लॉग व्हिच इज कॉल्ड डीकोड हिंदू मिथोलॉजी। एंड वो ब्लॉग सरप्राइजिंगली, आई मीन फॉर मी सरप्राइजिंगली, इट बिकेम अ बिग हिट।
तो काफी लोग, और उस टाइम ब्लॉगिंग काफी, यू नो, वी टॉकिंग अबाउट मोर देन 10 ट्रेंडिंग इयर्स अगो, मोर देन अ डेकेड अगो नाउ. तो ब्लॉगिंग वाज द इन थिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर लैंडिंग ऑन दैट पेज, और दुनिया भर से लोग पढ़ रहे थे जिनको इंटरेस्ट था इंडियन स्टोरीज में, इंडियन लेजेंड्स में, वो लोग पढ़ रहे थे. और ब्लॉग की पॉपुलैरिटी इतनी थी दैट यू नो देन आई गॉट अप्रोच्ड बाय द पब्लिशर्स टू डू अ स्टोरी, टू डू अ बुक. सो उस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी राइटिंग की. और कैरेक्टर उन्होंने मुझे बोला कि आप चूज करोगे किस पे लिखना है, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे जो मेन गॉड्स हैं, शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी सबको पता है, तो मुझे ये पता था कि मुझे उनके बारे में नहीं लिखना है. बिकॉज हमारे पुराणों में इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स, सिर्फ रामायण महाभारत भी अगर आप खोल के देख लोगे ना, जिसको हम इतिहास मानते हैं, उसमें भी इतने फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं. सो मुझे लगता है कि यार ऐसे कैरेक्टर्स को बाहर लेके आना चाहिए और उनके बारे में बुक लिखनी चाहिए जिनके बारे में पता नहीं है लोगों को. सो दैट विल बी माई वैल्यू एड, यू नो, फॉर दिस जॉनर. एंड उस तरह से फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे लगा कि मे बी विश्वामित्र माइट बी अ गुड कैरेक्टर, क्योंकि उनका एक बहुत छोटा बट इम्पोर्टेंट रोल है, यू नो, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है उनका रामायण में. क्योंकि अगर आपको याद हो, विश्वामित्र आते हैं दशरथ के महल में और वो राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेके जाते हैं वन में, और जहां पे ताड़का को वो मारते हैं, मारीच और सुबाहु से लड़ाई होती है, और उनसे खुश होके विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र देते हैं. विश्वामित्र ही वो थे ऋषि जो राम और लक्ष्मण को मिथिला लेके जाते हैं. सो अगर विश्वामित्र ये सब चीजें नहीं करते, पहली चीज राम और लक्ष्मण को वो डिवाइन वेपन्स की नॉलेज नहीं मिलती, दूसरी चीज वो मिथिला नहीं पहुंचते, सीता स्वयंवर ही नहीं होता. तो रामायण की स्टोरी के जो मेन कैटलिस्ट है वो विश्वामित्र है मेरे हिसाब से. सो आई थॉट कि ऐसा कैरेक्टर जिसका इतना इम्पोर्टेंट योगदान है, उनकी स्टोरी हमें पता होनी चाहिए. और जब मैंने उनका थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी अपनी स्टोरी भी बहुत फैसिनेटिंग है जी उसमें, जी क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं. और विश्वामित्र एक्चुअली, यू नो, ही इज वन ऑफ द ब्रह्म ऋषिज, जो ऋषि नहीं पैदा हुए थे, या वो ब्राह्मण कुल के नहीं थे, या वो, यू नो, उनकी पेडिग्री में वो नहीं था कि ऋषि बनना है. तो वो क्षत्रिय राजा थे और वशिष्ठ के साथ एक मुठभेड़ के बाद उन्हें वो ठान लेते कि नहीं, मैं वशिष्ठ से बड़ा, यू नो, स्पिरिचुअल पावर लेके दिखाऊंगा. और उस चक्कर में वो लेते हैं, यू नो, द लॉट दैट हैपेंस इन बिटवीन, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं. सो आई फाउंड दैट स्टोरी वेरी, आई थिंक, रिलेटेबल, बिकॉज मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब आप, यू नो, कुछ ऐसा ठान लेते हो. कभी कभी डिटर्मिनेशन आपको मिलता है, या कभी कभी आपका जो, व्यू है लाइफ का, वो ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, 360 डिग्री, कि यार मैं तो कुछ और सोच के चल रहा था, एंड सडनली, यू नो, समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट हैज टर्न्ड अप इन माय लाइफ. सो आई थॉट इट वाज वेरी रिलेटेबल एंड आल्सो वेरी इंस्पायरिंग कि किस तरह उन्होंने वो चैलेंजेस फेस किए एंड ही इमर्ज्ड विक्टोरियस, के सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, स्पिरिचुअलिटी में भी ही अटेन्ड द टाइटल ऑफ ब्राह्मण ऋषि. और विश्वामित्र वो हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र डिस्कवर किया था, जिन्होंने गायत्री मंत्र हमें दिया है, जो हम सब, यू नो, उच्चारण करते हैं. ऑलमोस्ट एवरी हिंदू नोज दी गायत्री मंत्र, राइट? एंड एवरी हिंदू प्रैक्टिसेस चैंट्स दी गायत्री मंत्र. सो वो जिस ऋषि ने डिस्कवर किया, हमें उनकी स्टोरी तो पता ही होनी चाहिए. ट्रू. मेरे को दो क्वेश्चन आए, बहुत बढ़िया, मतलब मुझे लगता है बढ़िया दिमाग में. पहला, जब जैसे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने भी राम और लक्ष्मण मतलब सारे भाइयों को शिक्षा दी थी बचपन में, और जी फिर बाद में ये आए थे अपने विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र आए थे दशरथ के पास कि आप मुझे दे दो, क्योंकि आपके, तो वो दशरथ के, उनके बीच का डायलॉग है कि आप ऐसा वैसा, तो वो आप उसको कैसे देखते हो, मतलब क्या ये जरूरी था, क्यों जरूरी था, अगर था क्यों विश्वामित्र को इतना इम्पोर्टेंट रोल, मतलब क्यों उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट रोल लिया कि मैं राम और लक्ष्मण को लेके जाओ अपने साथ, क्या देखा उन्होंने श्री राम के अंदर. सो एक्चुअली ये मैंने कवर किया मेरी लेटेस्ट जो बुक है, विच इज कॉल्ड रामायण रिवील्ड. उसमें भी उनके अलग अलग रोल्स मैंने थोड़े कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि देखो,
वशिष्ठ जो थे वो कुल गुरु थे, उनका जो दायित्व था, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वॉज टुवर्ड ऑल ऑफ देम, राइट, ऑल द प्रिंसेस, बाकी भी जो दूसरे राजकुमार राजघराने के थे और जो दूसरे भी शिष्य आते होंगे, उनकी उनका पूरा गुरुकुल था वशिष्ठ का, ठीक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए थी। पर अब एक स्पेसिफिक कार्य के लिए राम का जन्म हुआ है, रावण से इस दुनिया को छुटकारा दिलाने के लिए, तो हाउ डू यू इंश्योर कि उनको वो स्पेशल नॉलेज या स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, और उसके लिए विश्वामित्र का आना बहुत जरूरी था। और आप ये देखो कि इतने सारे ऋषि हैं, दूसरे भी बहुत ऋषि हैं जो लिटरेचर में हमें मिलते हैं, पर वाई विश्वामित्र? क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ की एक पास्ट हिस्ट्री है सबसे पहले, और उस हिस्ट्री के बाद मतलब व्हाट एवर हैपेंड नाउ दे वर्किंग टुगेदर, मतलब एक टाइम ऐसा था जब वो दोनों लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से, और अब वो दोनों एक कॉमन गोल के लिए वर्क कर रहे हैं। सो दैट ऑल्सो शोज के हाउ पीपल इवॉल्व। आप अपना पर्सनल ग्रजेस छोड़ के यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल विच इज मच बिगर देन यू, और उसके लिए, और क्योंकि विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्र वगैरह की नॉलेज ली थी वशिष्ठ को हराने के लिए, अब वही नॉलेज वो वशिष्ठ के ही स्टूडेंट को पास ऑन कर रहे हैं। ट्रू सो इट्स सो ब्यूटिफुल, मतलब जो कनेक्शंस है ना वो बहुत सुंदर है, और उनसे हमें समझ में आता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, साधु थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी हिस्ट्री में। तो देवर गाइड्स, देवर स्पिरिचुअल मेंटर्स, देवर टीचर्स, जो उन्हें राजनीति, उन्हें धनुर्विद्या, उन्हें ये सारी चीजें जो उनके गुरु होते थे वही सिखाते थे। तो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन जो था ये था कि जो गायत्री मंत्र है, अब जैसे मैंने बचपन में देखा था गायत्री मंत्र लिखा था, उसका हिंदी में मतलब लिखा था, तो मुझे तो वही मतलब समझ में आता है कि, बट इनके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा जब उन्होंने गायत्री मंत्र की क्या कहेंगे उत्पत्ति करी थी, या जो भी उन्होंने उनको क्या बोलेंगे कि इन्होंने डिस्कवर किया था, कैसे? उन्होंने जो वेदों के मंत्र हैं वो लिखे नहीं गए हैं किसी के बारे किसी के द्वारा, तो वो विजन्स थे, इसलिए उनको मंत्र दृष्टा बोलते हैं। जो वेदिक ऋषि हैं उनको मंत्र दृष्टा बोलते हैं, जिनको मेडिटेशन के टाइम जब वो किसी भगवान पे ध्यान कर रहे हैं तो उन्हें एक मंत्र की का दर्शन होता है, इसलिए वो मंत्र दृष्टा है, और वो मंत्र फिर वो नोट डाउन करते थे। सो अरे वेदों वाह, की रचना ऐसे की गई है। तो विश्वामित्र, जब उसका भी एक बहुत सुंदर एपिसोड है जो मेरी बुक में है, कि उन्होंने कैसे डिस्कवरी की और क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें वो डिस्कवरी हुई, आई थिंक आप वो पढ़ोगे तो बेटर ठीक है। होगा। फिर भी अगर गायत्री मंत्र का मतलब बता दो आप, कि उसको उसका हाई लेवल मतलब क्या है, क्यों क्यों, तो चलो हम पढ़ लेंगे बुक से, लेकिन उसका मतलब क्या है? गायत्री मंत्र बेसिकली सूर्य के लिए है। So, काफी लोगों को ये पता नहीं है कि वो सावित्र या सूर्य के लिए, सावित्र इज अनदर नेम ऑफ सूर्य, और गायत्री जो है ना वो मीटर है। सो देयर इज डिफरेंट मीटर्स दैट आर यूज्ड वेदों में, तो जैसे राइमिंग, जैसे आप बोल सकते हो कि मतलब आप पोयम पढ़ रहे हो अगर, तो हर ऑल्टरनेट वर्ड, हर सेंटेंस का लास्ट वर्ड राइमिंग होगा, मैच करता है या हाँ। हर ऑल्टरनेट सेंटेंस का राइमिंग होगा, या हर चौथे सेंटेंस का राइमिंग होगा। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मीटर, के दो का मीटर है, चार का मीटर है, वैसा हमने रखा हुआ है। सो वेदों में ऐसे अलग अलग मीटर्स यूज किए गए हैं व्हाइल कंपोजिंग द वर्सेस, और उसमें गायत्री जो है एक मीटर है। सो गायत्री इज नॉट द नेम ऑफ द डीटी फॉर दिस मंत्र, द डीटी इज एक्चुअली सावित्र, सावित्र सूर्य। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमें पुराणों से पता चलती है वो ये है कि सूर्य को भी जो ऊर्जा मिल रही है, ऑफ कोर्स ऊर्जा इज एनर्जी, एनर्जी शक्ति, राइट, तो वो भी एक्चुअली गॉडेस ही है। सो वो गायत्री गॉडेस का एसोसिएशन किया जाता है सूर्य से भी, तो इसलिए गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य के लिए भी माना जाता है और गायत्री माता के लिए भी गाया जाता है। वाह, सो वो एक ऑसम, डबल कनेक्शन हो जाता है। बट राइट। आइडियली इट इज अबाउट अ गाइडिंग फोर्स जो हमारे इंटेलेक्ट को प्रकाशित करे, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे और हमें सही रास्ता दिखाए। वो गाइडिंग फोर्स जो भूर्भुवः स्वः जब हम बोलते हैं, तो भूलोक और भूवर जो इंटरवीनिंग है, और स्वः जो स्वर्ग है, तो ये जो तीन लोक हैं,
सो लोगों की क्लासिफिकेशंस होती है, 14 लोग है, उसमें से ये तीन जो लोग हैं, भूभव स्वः, जो हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में है, इन तीनों को जो गाइड कर रहा है, गाइडिंग फोर्स, उसको सूर्य कहा गया है, सवित्र कहा गया है, और वो गायत्री माँ भी हो सकती है। तो उनके लिए ये प्रेयर है कि आप हमारी बुद्धि को सही रास्ते पे लेके चलिए। ऑसम ऑसम. ये तो मतलब मुझे भूभुवः स्वः का मतलब नहीं पता था, बट बाकी स्टार्टिंग का पता था. तो फाइनली अब मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि हम किस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं. खैर, अब दूसरी तरफ आते हैं हम. जैसे आपने बताया कि जो भी महर्षि थे या ऋषि हुआ करते थे या ब्रह्म ऋषि, तो इस टाइप की उपाधि वो ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या करी है, बहुत दिनों तक ध्यान किया है किसी भी भगवान का. तो वो ध्यान का ये जो कंसेप्ट है, अभी भी बताते हैं लोग मेडिटेट करो, अभी भी बताते हैं, लेकिन उस टाइम पर अभी बताते हैं कि कर्माचक्र से बाहर निकलने के लिए, अपने कर्मास को शायद जीरो करने के लिए अभी यूज़ करते हैं. मुझे इसका नहीं पता, मेडिटेट करने का उस समय भी क्या यूज़ था, क्या मतलब क्यों करते थे वो लोग, क्या मांगते थे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिअटैच हो चुके थे. वो क्या चीज़ की उपेक्षा कर रहे थे और क्या चीज़ मांग रहे थे, और आजकल जो उस मेडिटेशन को कैसे यूज़ करते हैं लोग, उस कंसेप्ट को. तो पहले हम ऋषियों से शुरू करते हैं. सो कॉन्सेप्ट तो राहुल सेम है एक्चुअली, बट तब भी और अब भी सेम ही कॉन्सेप्ट था। सो मेडिटेशन का पर्पस ये नहीं होता कि आपको भगवान से कुछ मांगना है, उसके लिए आप नॉर्मल प्रेयर भी कर सकते हो, राइट? सो मेडिटेशन इज मोर टू गेट इन टच विद योर इनर सेल्फ सबसे पहले, एंड द यूनिवर्स अराउंड यू। सो नॉट ऑन अ फिजिकल लेवल। अभी हम अपने यूनिवर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? थ्रू फिजिकल सेंसेस। हमारे हाथ है, पांव है, पांव से हम चल रहे हैं धरती पे, हाथ से हम कुछ उठा रहे हैं, आंखों से हम देख रहे हैं। हमारा जो अभी इन्वॉल्वमेंट है, मटेरियल इन्वॉल्वमेंट है, ग्रॉस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है थ्रू अ बॉडी। अब ये हमें दूसरा जो मेडिटेशन है उसके थ्रू हमें दूसरा कनेक्शन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है एट अ स्पिरिचुअल लेवल और एट अ सबकॉन्शियस लेवल, कि आपका माइंड कनेक्ट कर रहा है इस दुनिया से। आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इस दुनिया की जो फ्रीक्वेंसीज, इस यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसीज है, उनमें ट्यून इन कर सकती है या नहीं। पर आप हमेशा देखोगे जो लोग मेडिटेट ज्यादा करते हैं, दे आर वेरी काम एंड क्वाइट एंड मोर पीसफुल। वो लोग फिजिकल चीजों से भी ज्यादा अच्छा डील कर पाते हैं। अगर कोई अनहोनी हो गई, अगर कुछ दुर्घटना घट गई, दे आर मोर काम एंड दे आर मोर केपेबल ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन, बजाय उसके कि जो इंसान पूरा अपना फिजिकल वर्ल्ड में ही पूरा अटैच्ड है या उसमें फंसा हुआ है, तो उनका रिएक्शंस बहुत इंपल्सिव होता है। जो इंसान थोड़ा मेडिटेट करता है या जो थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़ा बहुत भी एफर्ट करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा एक ठहराव आ जाता है उसके सोचने में, उसके व्यक्तित्व में, और आप उस हिसाब से आप डील करते हो। तो मेडिटेशन भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं है। वो पहली तो आपकी जो लाइफ है ना, आपकी एवरीडे लाइफ, इट हेल्प्स इन दैट, इन कामिंग यू डाउन एज अ पर्सन, इन मेकिंग, हेल्पिंग यू मेक बेटर डिसीजंस एंड मोर काम डिसीजंस, मोर रैशनल डिसीजंस। सो सबसे पहला बेनिफिट तो मेडिटेशन का मुझे ये लगता है। दूसरी चीज है कि आप जितना डीप जाते हो, इफ यू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और वो समझाना बहुत मुश्किल है। वो अगर आप करोगे कभी तो, और आपका कोई अगर एक्सपीरियंस होगा, तो तभी आप उसको समझ पाओगे। एंड दिस इज ट्रू फॉर एंड आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल द पीपल। अ लॉट ऑफ पीपल डाउट कि अरे नहीं, कुछ नहीं होता इन सबसे, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपको जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होता ना, आप मानोगे नहीं किसी की बात। सो इसलिए मैं बोलता भी क्यों ज्यादा। मैंने मांगना इसलिए बोला था क्योंकि जब बोलते हैं ना कि यूनिवर्स अट्रैक्ट्स, आप मेडिटेट करके मैनिफेस्ट करो. और दूसरा, ऋषि मुनियों के बारे में बोला गया था कि वो आंख बंद करते थे और एकदम से हाथ में प्रकट हो जाता था. तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं से तो कन्वर्ट करके ला रहे हैं, या कहीं ना कहीं से एनर्जी फॉर्म. तो वैसा सी, वो तो सिद्धियां होती हैं। तो अष्ट सिद्धि होती हैं, जो मेन 8 सिद्धिज हैं, जिनमें से कुछ सिद्धि ऐसी होती हैं जो हनुमान जी ने डिस्प्ले की, अपना साइज छोटा या बड़ा करने की। कुछ सिद्धियां होती हैं आप ट्रैवल कर सकते हो दूसरे लोगों में। कुछ सिद्धियां होती हैं जिससे आपको जो भी चाहिए वो आप प्रकट कर सकते हो चीजें। कुछ सिद्धियां हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हो सारी चीजों का, यू कैन कंट्रोल योर एनवायरमेंट। काफी स्टोरीज में ऐसा आता है कि उन्होंने कुछ किया और सडनली बारिश हो गई, या सूखा पड़ा था कहीं पे, वो किसी कोई ऋषि वहां गए, उन्होंने वहां बारिश करवा दी। सो ये सब सिद्धियां होती है।
और उस लेवल तक पहुंचने के लिए अगेन थ्रू योग एंड मेडिटेशन यू कैन रीच देयर. इनफैक्ट मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योग. हम लोगों को जो बताया जाता है कि योग जो है दैट इज ओनली आसन्स, और पहली चीज तो इट इज नॉट योगा, इट इज योग. सो मतलब वो हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से पढ़ के हम चली खुद ले ही जाते हैं। पाते हैं कि हाँ हमारे ओरिजिनल क्या है. सो योग में भी एक प्राणायाम, आसन, अष्टांग होते हैं योग के, यम नियम उस वहां से शुरू होता है. आपको पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है, और वहां से फिर आप प्राणायाम से शुरू करते हो, कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग आसन है, फिर आप जाके मेडिटेशन के उस स्टेज पे पहुंचते हो कि आप ध्यान लगा रहे हो किसी चीज पे. सो पहले आपको डिसिप्लिन करना है खुद को, अपनी बॉडी को, अपनी ब्रीदिंग को, एंड देन यू गो टू दैट लेवल. और मेडिटेशन के थ्रू आप फिर जितना आप डीप उसमें जाओगे, जितना आपका एवोल्यूशन होगा उसमें, फिर वो स्टेज आती है जिसमें आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं. बट अल्टीमेट गोल अगेन वो नहीं है. अल्टीमेट गोल इज टू गेट आउट ऑफ दिस बॉडी. मतलब आपको इस संसार के जो लाइफ और डेथ का सर्कल है उसमें से निकलना है. दैट इज द गोल फॉर दीज ऋषिज. राइट और इसी इसी को लेकर मैं बस सोच रहा था जब आप विश्वामित्र की बुक देख रहा था मैं या फिर उसके बारे में पढ़ रहा था। तो जैसे हमने पता है, हमें पता है कि परशुराम इमॉर्टल है, लेकिन सेम ऐसे ही कुछ क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय थे, विश्वामित्र भी क्षत्रिय थे, उन्होंने भी ब्रह्म ऋषि का पदवी ली, तो वो भी एक एक ऐसे ही क्षत्रिय क्लैन से आते हैं, ऐसे ही हमें परशुराम है। तो विश्वामित्र इमॉर्टल क्यों नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने भी पिवोटल रोल प्ले किया है श्री राम की लाइफ में, तो उन्होंने कैसे दुनिया इस प्लेनेट या इस अर्थ दुनिया से मुक्ति ली, और अभी नहीं ली या फिर है अभी, वो क्या सीन है? नहीं 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 लिए, वो भी इमोर्टल ही हैं. ये सारे ब्राह्मण ऋषि जो हैं इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है. ओके और बट जो श्लोक है, जो सप्त चरणजीवी या अष्ट चरणजीवी का जो एक श्लोक है उसमें उनको काउंट नहीं करते, पर उनके अलावा भी बहुत सारे इमोर्टल्स हैं. ये जो 7 या 8 नाम लिए जाते हैं उनके हाँ अलावा भी बहुत सारे इमोर्टल्स हैं. एंड सो इमोर्टैलिटी का जो एक हमें प्रिंसिपल समझना चाहिए ना, वो ये है कि नो वन इज ट्रूली इमोर्टल एक्सेप्ट गॉड. भगवान के अलावा कोई भी इमोर्टल नहीं है. भगवान अनादि है, अनंत है, पर जो क्रिएशन में आया है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो मानव हो, पशु हो, राक्षस हो, दैत्य हो, कोई भी हो, एवरीबडी हैज अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन. आप ओके उसको थ्रू मेडिटेशन, थ्रू अदर बूंस आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. जैसे राक्षसों की हम स्टोरीज देखते हैं कि वो ऐसे ऐसे बून मांगते हैं कि वो बून फुलफिल करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनकी जितना वो खींच सकते हैं वो अपना खींच लेते हैं लाइफ, ट्रू बट दे हैव टू डाई अल्टीमेटली, राइट. सो इनका जो इमोर्टैलिटी का भी जो कॉन्सेप्ट है हमारा हिंदुइज्म में, वो ये नहीं है कि वो हमेशा हमेशा रहेंगे, बट दे लिव लॉन्गर दैन दी नॉर्मल पीपल. सो इसलिए उनको चिरंजीवी कहा गया है. चिर मतलब दूर तक, लंबा. तो चिरंजीवी जो बहुत लंबा जी रहे हैं, चिरंजीवी का मतलब अमर नहीं है. सो इमॉर्टल इज एक्चुअली अ रॉन्ग ट्रांसलेशन. सो दे आर लॉन्ग लिविंग, दे आर नॉट राइट इम, बट इमॉर्टल इज ओनली गॉड. ट्रू। और जो विश्वामित्र थे, फिर इन्होंने कैसे अपने प्राण त्यागे या नहीं त्यागे? अभी भी है वो, राइट. अच्छा, तो फिर तो ऐसा माना जाता है, मतलब फिर क्या कर रहे होंगे वो, कैसे हम इनको क्या स्केल है कि जो इमॉर्टल गॉड है वो कैसे रह रहे होंगे, जो मॉर्टल हमारे इमॉर्टल वर्ल्ड में कैसे रह रहे होंगे? So, देखो बहुत सारे, जैसे मैंने कहा लोक हैं, तो हमारे ग्रंथों में डिस्क्रिप्शंस है 14 लोकों का. तो उनमें से कुछ लोक हैं जहां पे ये सारे सिद्ध पुरुष रहते हैं. सो तप लोक है, जन लोक है, महर लोक है, और उसके ऊपर ब्रह्म लोक है. सो भू भुवर स्वर्ग, उसके ऊपर तप जन महर और सत्य लोक है, ब्रह्म लोक. सो ये जो इंटरवीनिंग है ब्रह्म लोक और स्वर्ग लोक के बीच में, इन सारी जगहों पे ऐसे सारे पहुंचे हुए ऋषि रहते हैं. तो क्या बात इन ऋषियों की, जिनकी बहुत लंबी आयु है, जो स्पिरिचुअलिटी में और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो धीरे 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 वो ब्रह्म लोक तक पहुंचेंगे. ब्रह्म लोक इज द हाइएस्ट लोक, हाइएस्ट अबोर्ड इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में. तो ब्रह्म लोक तक जो पहुंच गया वो मतलब ऑलमोस्ट ब्रह्मा के जितना जी सकता है, और ब्रह्मा की लाइफ इज द लाइफ ऑफ दिस यूनिवर्स. सो ये जो ऋषि हैं ये उन लोकों में रहते हैं बेसिकली. एंड विश्वामित्र इज वन ऑफ द सप्त ऋषि. सो
अच्छा जो हमें जो अभी इस मन्वंतर में जो सप्तऋषि हैं उनमें से एक विश्वामित्र हैं, तो उनका रोल खत्म नहीं हुआ, जब तक ये मन्वंतर चल रहा है उनका कार्य चालू रहेगा। अब वो हमारी मतलब काफी लोग बोलते हैं कि यार हमें क्यों नहीं भगवान दिखते या हमें क्यों नहीं ये ऋषि मुनि दिखते। सो देखो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ इज वेरी शॉर्ट, ह्यूमन लाइफ हम लोग तो 100 साल भी नहीं जी पाते हैं। एन एवरेज ह्यूमन बीइंग, अगर आप पूरी दुनिया की एवरेज निकालोगे तो और कम हो जाएगी। अगर हम इंडिया की बात करें सो मे बी आई थिंक अबाउट 60-70 ऐसा कुछ होगा, यू नो बिटवीन 65-75। सो हम तो 100 साल भी पूरा नहीं जी पा रहे हैं, और ये ऋषि मुनि है जो हजारों साल जीते हैं। उनके लिए और स्पेशली वो जो अलग अलग लोकों में रहते हैं ना, टाइम इज डिफरेंट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन अप्लाइज हियर। जैसे हम ब्रह्मा जी के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मा जी के 100 साल इज एक्चुअली 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। शिट सो इतना बड़ा गैप है, तो उनका तो उनके और कई कहानियां ऐसी हैं जहां पे यू नो ब्रह्मलोक में कोई गया एक मुहूर्त के लिए, वहां रुका और नीचे पता नहीं कितने युग बदल चुके थे जब वो धरती पे वापस आया। सो एक टाइम डायलेशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो हमारा जो टाइम है वो बहुत जल्दी भाग रहा है उनके लिए। जैसे यू नो आई थिंक इट विल बी प्रॉब्ली इजियर टू अंडरस्टैंड इफ वी सी दैट काफी सारे एनिमल्स आई मीन इंसेक्ट्स और छोटे छोटे ऐसे होते हैं पशु पक्षी जो जिनकी लाइफ बहुत छोटी है, राइट। इवन इवन इफ यू आर अ पेट लवर यू विल अंडरस्टैंड कि यू नो एक डॉग की लाइफ, डॉग की एक कैट लाइफ या की कितनी होगी, यू नो मैक्सिमम 15 मैक्सिमम 20, पर वो 20 ईयर्स इज देयर 100 ईयर्स, ट्रू राइट। सो इट्स द सिमिलर कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट कितने सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एक ही दिन जीते हैं। सो देयर इज अ डे फ्लाई, वो पूरा एक दिन ही जीती है, वो एक दिन ही राइट उसकी जिंदगी है। सो इसमें टाइम डिफरेंट फॉर टाइम एवरी। डायलेशन जो आपने बोला है ये मैंने भी बहुत जगह से देखा है, सुना है कि ऐसा ऐसा लोक हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पैरेलल यूनिवर्स है, बट ये कहीं अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, कैसे मेंशन है, कि स्टोरीज के हिसाब से मेंशन है, कितना डिटेल्ड मेंशन है, बहुत डिटेल में मेंशन है, हमारे पुराणों में पूरी कैलकुलेशन दी गई है कि कौन से कैसे? प्लान कौन से लोक में कैसा कितना टाइम है। और इनफैक्ट यू नो ये पूरी कैलकुलेशन जो मैंने अभी बताई आपको, ब्रह्मा के 100 साल इज इक्वल टू 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स, दिस इज नॉट अ रैंडम नंबर, ये एक पूरी कैलकुलेशन है कि उनके एक दिन में उनकी उनकी जिंदगी के जो 100 साल हैं वो 100 साल में हर एक साल में 360 डेज एंड नाइट्स होते हैं जिनको हम कल्प बोलते हैं। हर कल्प के अंदर 14 मन्वंतर होते हैं, हर मन्वंतर के अंदर 71 महायुग होते हैं, हर महायुग के अंदर 4 युगों की साइकिल होती है। सो वी यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ कलयुग। अब वहां से शुरू करोगे, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, यू गेट द कैलकुलेशन ऑफ 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। सो राइट अभी अभी हम ब्रह्मा के यू नो वी आर इन मिड लाइफ ऑफ ब्रह्मा। सो अभी उनके 51st ईयर का पहला दिन चल रहा है पुराणों के हिसाब से, इतनी डिटेल्स दी गई है। सो इस यूनिवर्स को एक्चुअली हमारी पुराणों के हिसाब से 155 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स हो चुके हैं। ट्रू अब मैं ये सोचता हूँ कभी कभी जब ऐसा सुनता हूँ किसी भी आपसे या कोई भी लोग बताते हैं कि उन्होंने जिन्होंने ये लिखा है, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया है, उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया होगा या उन्होंने कितना ज्ञान इकट्ठा किया होगा तब जाके उन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया। कितना फैसिनेटिंग है कि इतनी सारी नॉलेज का भंडार लेके फिर बंदे ने लिखा है वो। तो कैसे आपको क्या लगता है कि जब वो कोई लिख रहा होगा तो वो कितना नॉलेजेबल होगा, उसके ज्ञान की क्या सीमा होगी? आई डोंट थिंक कोई सीमा हो सकती है उनकी, अगर उन्होंने इतना सब यू नो फाइंड आउट लिख कर लिया। एंड अगेन यू सी दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू मेडिटेशन। उन्होंने उनके पास कोई ऐसे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करने के लिए सैटेलाइट्स, हबल टेलीस्कोप और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो उन्होंने यूज नहीं किए ना, उन्होंने राइट अपने इनसाइट्स जो यूनिवर्स से कनेक्ट करके लिए है उन्होंने। एंड यू नो देयर इज अ बिलीफ, हम लोग हमें लगता है कि यार सब कुछ मटीरियल ही तो है इस यूनिवर्स में, देयर इज नो कॉन्शियसनेस, बट कॉन्शियसनेस तो हर जगह है। मतलब आप अगर इस दुनिया में भी देखिए, देयर इज एवरी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कॉन्शियस यू नो व्हिच वी डोंट रियलाइज। अब प्लांट्स, हमें पता है कि प्लांट्स में लाइफ है, हमारे पुराणों में लिखा गया है प्लांट्स में लाइफ है, पर आपको पता है साइंटिफिक वर्ल्ड में काफी टाइम तक ऐसा मानते ही नहीं थे कि प्लांट्स में लाइफ है। सो इनफैक्ट एक इंडियन साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस,
जिन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली दिखाया था कि प्लांट्स कैन फील पेन, प्लांट्स कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ही शोड कि दिस इज अ लिविंग थिंग, यू नो. और मतलब ऐसे ऐसी चीजें हैं. साइंटिफिक साइंस को हम मानते हैं कि साइंस सर्वोपरि है, जो ऐसा नहीं होता है. साइंटिफिक थ्योरी चेंज विद टाइम, दे चेंज विद न्यू डिस्कवरीज. पर जो हमारा इंट्यूशन है, हमारा जो इंसाइट है, और अगर हम मानते हैं कि एक कर्मा एक यू नो संसार की साइकिल है ऑफ मल्टीपल बर्थ्स, तो हमारी जो जर्नी रही है ना सोल की, थ्रू मल्टीपल बर्थ्स, थ्रू मल्टीपल स्पीसीज, थ्रू प्रोबेबली डिफरेंट वर्ल्ड्स, आप अलग अलग लोकों में भी हो सकता है कभी पैदा हुए हो, तो आपका जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन है ना, वो उन सारे एक्सपीरियंसेस से आ रहा है. पर आप जहां अभी हो, इसकी आपकी फिजिकल लिमिटेशन है कि हम इतना ही देख सकते हैं, इतना ही हम प्रूव कर सकते हैं. अब एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग है, उसके कंपैरिजन में एक पशु की अंडरस्टैंडिंग, एक पक्षी की अंडरस्टैंडिंग, यू कैन कंपेयर. तो हम इंसान उतने ही तुच्छ हैं, उतने ही इंफीरियर हैं ऋषियों के सामने, देवताओं के सामने, या इवन दैत्यों के सामने, बिकॉज दे ऑल्सो लिव अ लॉन्गर लाइफ, दे ऑल्सो हैव अ लॉट मोर कंट्रोल ओवर देयर वर्ल्ड, जो हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं.